बच्चे, बड़े, बूढ़े, पेशेंट यानी किसी तरह की भी बीमारी हो, सब लोग खा सकते हैं इसे। कैल्शियम का स्रोत है, विटामिन का भंडार है ये। ये क्या है रेसिपी, चलिए बताती हूँ, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पवित्रा किचन में, पवित्रा के पाकशाला में। मित्रों, ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये एक मैजिक रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कोकोनट वाटर लिया है, एक नारियल का पानी। तो इसमें हम डालेंगे हलीम सीड्स 50 ग्राम जितने। तो इसे हलीम और आलिम दोनों नाम से संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है। तो इसे एक रात के लिए हमें भिगो कर रखना है। तो आप सुबह बना रहे हैं तो आप रात को भिगो कर रख दीजिएगा। तो ये एक रात भीग चुके हैं, देखिए भीग कर इस तरह होते हैं जैसे सब्जा सीड होता है ना, उसी तरह से ये उबल मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं फूल कर। सब्जा जैसे फूलता है ना, ये भी उसी तरह से फूलता है। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ के जी, आधा के जी सूखा नारियल ग्रेट किया है, और कैशू, आलमंड और मस्कमेलन सब 50 ग्राम लिए हैं। तो चलिए अब हलीम के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें जो नारियल पानी था इसे मैंने थोड़ा सा साइड में रख दिया है ताकि इसे हम फ्राई करेंगे, भुनेंगे थोड़ा हलीम सीड को। तो भुनने के लिए मैंने यहाँ पर घी लिया है 1 टेबल स्पून जितना। तो इसे थोड़ा घी भी चलेगा, ये देसी घी है, शुद्ध देसी घी मैंने यूज़ किया है गाय का। तो ये बहुत फ़ायदेमंद लड्डू है, इसे भुनेंगे अच्छे तरह से भुनेंगे। क्योंकि मित्रों मैं बता दूँ, ये जो सीड्स होते हैं थोड़े से स्मेल आते हैं ये, इसीलिए भुनने से इसका स्मेल जो है वो चला जाता है। तो इसे अच्छे से भुनेंगे। मित्रों मैं आपको बता दूँ, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें विटामिन ए, बी और सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये भुन चुका है, इसे साइड में रख दिया, और इसमें डालेंगे हम गुड़, आधा के जी गुड़ डाल रहे हैं। तो कोकोनट आधा किलो लिया है और गुड़ आधा किलो, दोनों समान मात्रा में ही हमने लिया है। तो इसमें डाल रहे हैं जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था हलीम सीड को भिगो कर रखने के बाद नारियल पानी, उसे ही डाला है मैंने। ऊपर से ज़्यादा नारियल मैंने नहीं लिया पानी, उसका उसी के अंदर का पानी है। तो देखिए गुड़ अच्छे से पिघल रहा है। मित्रों ये हलीम सीड जो होते हैं ये गर्म होते हैं, इसीलिए अभी सर्दियां हैं, इसीलिए आप इस सर्दियों में इसे खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और साथ में ये जो हलीम सीड है बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। तो गुड़ जो है अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल चाशनी की तरह बन चुका है, इसीलिए आप डाल रहे हैं ग्रेटेड कोकोनट। ये कोकोनट सूखा कोकोनट ही मैंने लिया है, आप कच्चा कोकोनट मत लीजिएगा। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये जो लड्डू हम बना रहे हैं ये जुकाम, अनिद्रा, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है ये हलीम सीड। तो इसीलिए खाना ज़रूर शुरू कीजिएगा। तो कोकोनट को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हलीम सीड और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए थे वो सब डालकर मिक्स करेंगे। मिक्स करके थोड़ा सा और ज़्यादा पकाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने वेट ही यूज़ किया है। तो मैं आपको बता दूँ, इसे वेट ही किया जाता है, मतलब भिगो कर ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें अभी मैंने 2 पिंच जितना नटमेग यानी जायफल डाला है। तो इसे ऐसे ही मत यूज़ कीजिएगा बिना भिगोए, वो हेल्थ के लिए नुकसान करेगा। तो इसे भिगोइएगा अच्छे से। तो इसे नारियल पानी में ही भिगोना पड़ता है, अगर आप चाहें तो आप पानी में भी भिगो सकते हैं, परंतु नारियल पानी में आप भिगोएंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। तो रेडी हो चुका है मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए, देखिए बना रहे हैं लड्डू। अगर आपको नींद नहीं आती है तो इसकी लड्डू ज़रूर खाइएगा, हलीम सीड के लड्डू। इसे ये हेल्थ के लिए अच्छा तो होता है, पर मैं आपको बता दूँ ध्यान से खाइएगा, मतलब ज़्यादा नहीं खाना होता है इसे। दिन में 1 या 2 लड्डू खाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि ये नुकसान भी करता है ज़्यादा खाएंगे तो। आपने सुना है 100 बीमारियों का एक इलाज, तो यही है वो, ये इस वो कहावत इसके ऊपर फिट बैठता है, क्योंकि 100 बीमारियों को समाप्त करता है ये हलीम का सीड। तो इसका खीर भी बनता है, मैं आपको खीर बनाने के बना के भी दिखाऊंगी, बहुत जल्द आएगी वो रेसिपी भी। तो
तो मित्रों आपको ये लड्डू कैसा लगा हमें ज़रूर बताएगा और कमेंट करके बताएगा आपको ये कैसा लगा। अगर आपको पसंद आती है तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।